हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। अभी एक चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग, स्पेशली अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों का ये कहना है कि देश बेचा जा रहा है, देश की प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं, असेट्स बेचे जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ये सच है? अगर है तो क्या बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है और क्यों बेचा जा रहा है? अगर नहीं तो इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, बेसिकली ये प्रोसेस है क्या? 23 अगस्त 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ और नीति आयोग के साथ मिलके नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का अनाउंसमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नेक्स्ट 4 ईयर्स में 2022 फाइनेंशियल ईयर टू 2025 फाइनेंशियल ईयर तक 6 लाख करोड़ रुपीज़ का एसेट मोनेटाइजेशन करेगी। अब ये एसेट मोनेटाइजेशन होता है क्या है? असेट मोनेटाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर असेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जाता है और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट की जाती है। इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को डेवलप किया है नीति आयोग ने, जिसको ये मैंडेट दिया गया था 2021-22 के बजट एलोकेशन में असेट मोनेटाइजेशन को लेके। नीति आयोग ने ये NMP डेवलप किया है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलके, उनके फीडबैक लेके, उनसे कंसल्ट करके और उनसे डिस्कस करके ये NMP को तैयार किया गया है। अब ये बात ये है कि ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं कौन सी, जैसे कि रोड, रेलवेज, शिपिंग, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन, कोल, माइनिंग, पावर, नेचुरल गैस, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ कंसल्ट करके नीति आयोग ने इस NMP को डेवलप किया है। अब इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का पर्पस क्या है? गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे पर्पसेस बताए हैं, जैसे कि क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी असेट्स गवर्नमेंट के पास हैं उनको मोनेटाइज करके कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और उस रेवेन्यू को इन्वेस्ट किया जाएगा फर्दर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। गवर्नमेंट का ये भी पर्पस है कि इसके थ्रू जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेशन को इनकरेजमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हम एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इसके थ्रू पॉसिबल होंगे। अब ये पूरा असेट मोनेटाइजेशन का प्लान जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इसको कौन मॉनिटर करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड पैनल बनाया है जिसको कहा गया है कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन असेट मोनेटाइजेशन। इसके चेयरमैन होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और इसके मेंबर्स होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो इसमें ली गई हैं उनके सेक्रेटरीज़। अब बात यह है कि कौन से असेट्स को इसके अंदर मोनेटाइज करने की बात चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्ट्रीज़ और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ सेलेक्टेड ब्राउनफील्ड असेट्स को इसमें मोनेटाइज करने की बात चल रही है। 20 से ज़्यादा असेट्स को इसमें क्लासिफाई किया गया है जो कि लगभग 12 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज से आते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये ब्राउनफील्ड असेट्स होते क्या हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और तरह का असेट होता है? तो इसको हम जनरली कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में, ब्राउनफील्ड असेट्स और ग्रीनफील्ड असेट्स। ग्रीनफील्ड असेट्स वो होते हैं जो कि बेसिकली एक नए तरह के असेट्स होते हैं, जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, नया इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नई जगह होती है। ब्राउनफील्ड असेट्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, एग्जिस्टिंग होते हैं, रनिंग होते हैं और उनके थ्रू कुछ रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट किया जा रहा होता है। तो गवर्नमेंट अपने इन्हीं कुछ ब्राउनफील्ड असेट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उनको प्राइवेट प्लेयर्स को देने की बात कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स को ये असेट जो होंगे एक ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए दिए जाएंगे जिसके अंदर राइट्स शिफ्ट किए जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, राइट्स ऑपरेशन को लेके, उनके मेंटेनेंस को लेके, उनको रन करने को लेके और उनसे रेवेन्यू जनरेशन को लेके। तो इसमें किसी भी तरह की कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ना तो उनको परमानेंट वो चीज़ बेची जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टीज़, वो असेट्स दोबारा गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। अब बात ये है कि इन असेट्स को किस तरीके से दिया जाएगा, कितने में दिया जाएगा, कौन लेगा इनको, तो इसके लिए बेसिकली एक प्रोसेस डिफाइंड है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके वो असेट्स हैं वो डिफाइन करेंगे बहुत सारे क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे, जैसे कि असेट का नेचर क्या है, किस सेक्टर को बिलोंग करता है, किस टाइमिंग पर वो शिफ्ट किए जा रहे हैं राइट्स, और जो इन्वेस्टर है उसकी प्रोफाइल क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अलग अलग जो असेट्स हैं उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स के थ्रू जो है उनके राइट्स शिफ्ट किए जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के पास।
अब बात यह है कि गवर्नमेंट को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ी क्यों। 2019-20 के अंदर गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हैं उसको लेके एक डिटेल्ड स्टडी करी। उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 के अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसको डिक्लेयर किया और रिलीज़ किया। ये क्या था? ये बेसिकली कंट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर विज़न था। उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2020 to 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब बात यह है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, 111 लाख करोड़ रुपए। तो NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के टास्क फोर्स ने 2019 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करी। उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 83 to 85% जो फाइनेंस होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं, उसके थ्रू कैपिटल आएगा। जो रेस्ट ऑफ द 15 to 17% है उसको गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें इनोवेटिव मैकेनिज़म का यूज़ करना पड़ेगा। उसी इनोवेटिव मैकेनिज़म की कैटेगरी में ये NMP नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान आता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि टारगेट जो उन्होंने किया है 111 लाख करोड़, उसका 5 से 6% जो है हम इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट को या मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को इंक्लूड नहीं कर रही है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। अब जो गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट किया है टोटल रेवेन्यू को जनरेट करने का, 83% उसका लगभग 5 सेक्टर्स से ही आ रहा है, जैसे कि रोड, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस और टेलीकम्युनिकेशन। इनसे मिलके लगभग 83% रेवेन्यू जनरेट होगा और अकेले रोड और रेलवे से ही मिलके ही 52% रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाएगा इस NMP के थ्रू। आइए देखते हैं NMP का सेक्टर वाइज ब्रेकअप कि किस पर्टिकुलर सेक्टर से कितने मोनेटाइजेशन का टारगेट है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवेज इसके की असेट्स और प्रस्तावित रेलवे स्टेशंस, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, टेलीकॉम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पाइपलाइंस, वेयरहाउसिंग, माइनिंग असेट्स, सिविल एविएशन और इसके प्रस्तावित एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एट्सेट्रा। ये गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, बशर्ते कि ये जैसा कंसीव किया गया है वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाए और सारे स्टेक होल्डर्स को ये बेनिफिट करें। इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि वो गवर्नमेंट असेट्स को अपने अंडर में लें और उसमें इन्वेस्ट करें, वो एक ट्रस्ट डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट के टेक ओवर के बाद उनका क्या होगा, जो इश्यूज़ आएंगी, जो ग्रीवेंसेस होंगी, उनका रिड्रेसल कैसे होगा, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसा होगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं होगा कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने आ सकते हैं। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या इसके रिपरक्यूशंस हो रहे हैं और किस तरीके से ये बेनिफिट कर रहा है गवर्नमेंट को और सोसाइटी को। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे स्टेप्स ले चुकी है जिसके अंदर वो अपने असेट्स को प्राइवेट प्लेयर्स को रन करने के लिए और मैनेज करने के लिए दे चुके हैं और दे रहे हैं। उसके अंदर रेलवेज हैं, एयरलाइंस हैं, रोड्स हैं और भी बहुत सारे एरियाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और जिसके पीछे कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड क्या सही है, क्या गलत है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। हम उम्मीद करते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करने में मदद मिले और ये सबके लिए एक बेनिफिशियल स्टेप हो गवर्नमेंट का। इफ़ यू थिंक इट वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड यू एंजॉयड वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। थैंक यू सो मच।